हमारे हिसाब से पहला स्टेप हम लोगों ने पार कर दिया बड़ा सक्सेसफुली, और इसमें माननीय न्यायालय ने आज जो है हमारे फेवर में ऑर्डर आया है कि मेंटेनेबल है ये पिटीशन, यानी जो पहला और दूसरा पिटीशन है जिसमें शेल कंपनियों के द्वारा जो घोटाले हुए हैं यहाँ पे वो, और सीएम का जो माइनिंग लीज है, ये दोनों जो है वो सुनवाई योग्य है, ऐसा माननीय न्यायालय ने प्रोनाउंस किया है ऑर्डर वर्बली। और माननीय न्यायालय का कहना है कि 70-80 पेजेस का बहुत लेंथी जजमेंट्स है, तो ये जजमेंट जो है एक दो दिन के अंदर आ जाएगा सबके लिए और अपलोड हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरिट की बात है, अब मेरिट पे सुनवाई के लिए आज माननीय न्यायालय ने सबको कहा, एडवोकेट जनरल को भी कहा कि आप मेरिट पे सुनवाई शुरू कर दीजिए, सुनाइए अपना। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको समय चाहिए काफ़ी लंबा। हम लोगों ने अपोज किया कि चूंकि एविडेंसेस है उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है इसको हम लोग सुनेंगे, लेकिन इतना हम समय नहीं देंगे, इसको ट्यूसडे को ही शुरू में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय फिक्स कर रही थी, लेकिन इसको 10 तारीख को रखा गया है। अब ये फिजिकल मोड में कोर्ट में ही सुनवाई इसकी होगी, और इसको 10 तारीख को अब सुनवाई के लिए रखा गया है कि मेरिट पे इसकी सुनवाई हो। क्या दोनों केस में मेंटेनेबल है, ऐसा माननीय न्यायालय का कहना है कि दोनों केस जो है मेंटेनेबल है और ये सुनवाई योग्य है। यानी शिवशंकर शर्मा का जो क्रेडेंशियल था और उनका मेंटेनेबिलिटी पार्ट था, उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली माननीय न्यायालय के ध्यान में हम लोगों ने मीट कर लिया है, और ऐसा हम लोगों का जो सबमिशंस था उसको माननीय न्यायालय ने मान लिया। सर, रिटन ऑर्डर तो बाद में आएगा, लेकिन आज कुछ मेंशन किए हैं क्या कुछ? माननीय न्यायालय ने कोई ग्राउंड्स नहीं दिया, इसलिए क्योंकि बहुत लेंथी ऑर्डर है। माननीय न्यायालय का कहना था कि हम जो है ये ऑर्डर एक दो दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल केस एडमिट हो गया, अब ये केस चलेगा, ऐसा हम लोगों का एक बहुत खुशी की बात है कि माननीय न्यायालय ने हम लोगों का जो आर्गुमेंट था, जो सॉलिसिटर जनरल का, तुषार मेहता साहब का आर्गुमेंट था, हम लोगों का आर्गुमेंट था, उसको माना और इसको आगे बढ़ने के लिए कहा है कि अब ये मामला आगे बढ़ेगा। रेस्पोंडेंट्स क्या इसको चैलेंज कर सकते हैं? वो तो हमेशा ओपन है लोगों के लिए, क्योंकि पूर्व में भी राज्य सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहाँ से एक ऑर्डर आया था माननीय न्यायालय का, तो उस पर जो है ये मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हुई, और ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय का कहा था ऑर्डर में कि आप जो है मेंटेनेबिलिटी पे सुन लीजिए और उसके बाद प्रोसीड कर जाइए मेरिट पे। तो आज माननीय न्यायालय जो है अब तीनों मामले पे मेरिट पे सुनवाई अब होनी है, अब कोई इंट्री मेंटेनेबिलिटी पार्ट जो है वो नहीं रह गया है तीनों केस में, क्योंकि तीसरा केस में तो था ही नहीं मनरेगा वाला में, लेकिन दो केस माइनिंग और शेल कंपनीज वाले में था, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय ने सुना और हमारे पक्ष में आज के दिन में न्याय आया है। तो सरकार की तरफ से दलीलें रखी गई थी, लंबा बहस चला था, तो अदालत के आधार पर दलीलों को खारिज, देखिए चूंकि कोई अभी उसके बारे में चर्चा नहीं हुई, हम लोगों ने देखा नहीं है पिटीशन ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट का, और ऐसा किसी के सामने नहीं है, इसलिए ये कहना भी उचित नहीं होगा। हम लोगों ने सबमिशन जो किया था उसको लगता है कि माननीय न्यायालय ने अप्रिसिएट किया, ऐसा हमें लगता है।